हिंदी चलेगा ना, अभी तो कोई पेपर ही ना दिखे ना, हिंदी ना इंग्लिश आइडिया ही नहीं, हिंदी वाला ज्यादा दिखता है। चलो भाई एक हिंदी का चैप्टर है, 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ है नहीं। बस एक नंबर एक क्वेश्चन आता है, क्रिया विशेषण, ये इसलिए पढ़ा देता हूं कि हमारा सिलेबस में है, एक नंबर का आता है। इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक है, साथ के साथ लिख लेना और समझा भी दूंगा। क्रिया विशेषण, पहले बताना चाहिए ना, देख जितना सुंदर तेरा चेहरा नहीं है उतना सुंदर रजिस्टर दे रहा हूं, चोरी तो नहीं करे पेज ना ज्यादा। क्रिया विशेषण ठीक है भाई, लिखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई मुझे बिना पढ़ाए उदाहरण बता सकता है, बिना पढ़ाए कि हाँ हमें आइडिया है, जैसे बताओ कोई भी एग्जांपल, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे, वह समझना, समझना इंपॉर्टेंट है। एक नंबर या अभी कभी पक्का, मैंने एक क्वेश्चन, अगर पुलिस के पेपर दोगे तो 2 नंबर का होता है, मैंने 2 नंबर पक्का, एक क्वेश्चन कंप्लीट अभी जस्ट। वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है समझेंगे। अब यहां पर क्या, ये तो सर्वनाम है, चलो टॉपिक नहीं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। जैसे मैं कहूं वह जोर से रो रहा है, कैसे रो रहा है, क्रिया विशेषण, ठीक है भाई ये बात ध्यान रखिए। इन्होंने कहा वह बहुत सुंदर है, तो जो सुंदर है वह विशेषण, समझेंगे भाई, वह बहुत सुंदर है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी क्लियर होनी चाहिए, कुछ लोग कहता है कि हिंदी पढ़ोगे तो इंग्लिश खराब हो जाएगी और इंग्लिश पढ़ोगे तो ठीक, तो मुझे तो पढ़ाना होता है तब भी मेरी खराब नहीं हुई, लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो कोई कुछ खराब नहीं होता, जिसको मन से पढ़ लो, इतना नहीं कि आप दिन भर हिंदी ही पढ़ते हो, तो इसलिए मिला जुला सब चीज जो आपके सामने पेपर हो उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ठीक है भाई। और जब कोई भी पेपर सामने ना हो तो कॉमन जनरल सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, और कहीं कुछ खराब नहीं होता। देखना मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसी जोश में हिंदी, उसी जोश में, अब हिंदी पढ़ा रहा हूं तो लगता है केवल हिंदी ही पढ़ाता हूं, तो कहने का सेंस है आप जहां दिल और दिमाग लगाओगे वहीं आगे बढ़ोगे, किसी का कहना कुछ नहीं होता। इनके आंसर था कि वह बहुत सुंदर है, तो ये जो सुंदर है वो क्या है आप मुझे बताइए, तो विशेषण है। अब मैंने एक बात बताया था 2-4 दिन पहले, मुझे याद नहीं है कि जहां पे एक बताया था प्रविशेषण, याद होगा, प्रविशेषण का मतलब बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे बहुत बहुत अधिक, अरे बताए होंगे सार्वनामिक विशेषण प्रविशेषण बताए थे, तो मैं कहूं कि वह बहुत सुंदर है, तो पहली प्राथमिकता इसे दोगे प्रविशेषण का, किसका दोगे, आपके पेपर में चाहे कोई भी पेपर हो यहां अंडरलाइन रहेगा और कहेगा कि इसको क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, तो इसको प्रविशेषण, टॉपिक से हटकर भी बता देता हूं जानकारी होने, तो इसे बोलेंगे प्रविशेषण और इसे बोलेंगे आप क्या चीज, एक तो क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं कि वह एक लड़का है, तो जो वह काम करता है ना, तो सर्वनाम, पता है ना संज्ञा के बदलों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम, इतना तो थोड़ी सी तो आइडिया होगी भाई, किसी भी नाम को मेरे भाई कहते हैं संज्ञा, टॉपिक अभी चल रहा क्रिया विशेषण, किसी भी नाम को कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम, जैसे वह एक लड़का, वह एक लड़की है, यह एक लड़का, जो भी। और जब किसी सर्वनाम के साथ अगर कोई संज्ञा सटे हुए रहे तो उसे कहेंगे सर्वनामिक, क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण, कहें कैसे,
देखो वह एक लड़की है, ठीक है, लड़की है तो हम क्या कह रहे हैं, और दूसरा वह बस काली है, तो वह हो गया, अब बस तो संज्ञा हो गया, अरे बस तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वह जो काम करेगा सर्वनामिक विशेषण, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है भाई। तो मैंने बताया ये, बस ये देखो मैं क्या बताना चाहता हूं कि वह एक लड़का, अगर लिखकर समझोगे तो वह एक लड़का है, समझ जाना आराम से। कितने बार रिवाइज होगी, हिंदी आता है आपका 75 नंबर के, ठीक है ना, 15 दिन की क्लास होती है मैक्सिमम, गर्दा मचा देता हूं एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि मैं ना छोड़ूंगा आज तक। तो वह एक लड़का है, तो वह हो गया सर्वनाम, मेरी बात को समझना। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम, इतना आइडिया रखना, ठीक है। और मैं कहूं वह बस काली है या बहुत काली है, ठीक है भाई। अब देखिए ये संज्ञा आ गया इसके साथ में, तो इसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण। ये क्लियर हो गया? चलिए, ये सुंदर अच्छा बुरा किसी एक के लिए कहते हैं, वो होता है विशेषण, बताया हूं कि सुंदर अच्छा बुरा कुछ भी क्या होता है, विशेषण होता है भाई। और जब यहां पर बहुत लग गया इसके साथ, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही सब पेपर में आता है मेरे भाई, ध्यान से समझ जाना। और छोटी छोटी बातें कभी भी नोट कर लेनी चाहिए, कभी मैं मना नहीं करता हूं, जो चीज नोट हो जाएगी तो कभी याद रहेगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, जो क्रिया की, तो ये हो गया चलना क्रिया, जिसके लास्ट में ना लग जाए वो क्रिया होता, आना जाना, खाना, रोना, पीना, सोना, हंसना, उठना, जगना, ये सब क्रिया है। और क्रिया के पहले जो विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। मेरी बात को समझ आएगी नहीं आई? तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्लियर एकदम? आराम से समझना, 74 बार पूछना, एक बार नहीं लेकिन पढ़ना मन से। वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। बस क्या है? संज्ञा। काली क्या? विशेषण। ठीक है मेरे भाई। अब हम टॉपिक पर आ गए, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, राइट। अब लिखिएगा कि इसके प्रमुख चार भेद होते हैं, इसके प्रमुख चार भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे, लिखिए इसके प्रमुख चार भेद। मैं सारा याद करवा दूंगा, आप केवल आराम से लिखते रहिए, ठीक है। पहला है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आप एग्जाम्पल लिख लेना, मैं ट्रिक बता दूंगा साथ में। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कमीज अचानक फट गई, लिख सकते हो तो लिख लो, कमीज कमीज अचानक फट गई। ठीक है भाई। अब जो मेरे आइडिया में ट्रिक जो बनाया हूं अपने तरफ से, वो कैसे बनाता हूं, हर जगह चलता है। रीति का मतलब जानते हो क्या होता है? हाल चाल, स्थिति को पूछना आपके, कि आपका स्थिति क्या चल रहा है। तो हाल चाल को जानते हो कैसे पूछा जाता है? जो मेरी आइडिया कैसे करके। अब इसकी ट्रिक है कैसे, अगर इसकी पहचान करना हो तो कहते ना आप कैसे हो, ये थोड़े कहते आप क्यों हो, आप कहां, आप क्यों नहीं बोलते, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना कैसे। आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, कमीज कैसे फट गई अचानक, ये कुछ होती है जुगाड़ हर जगह, तो ब्रैकेट में लिख दो कैसे। कैसे का प्रश्न करना, जैसे मैंने सकर्मक अकर्मक वाला बताया था कि जहां पर क्या शब्द का जवाब आ जाए सकर्मक, क्या का जवाब नहीं है अकर्मक, तो उसी तरीके से कैसे। हाँ भाई, ये यहां पर लिखना है मेरे भाई कैसे, यहां पर लिखना ट्रिक है। अब इस ट्रिक का फायदा क्या है,
सबसे पहले आपको ये पता चला क्रिया विशेषण क्या है। जैसे कमीज अचानक फट गई, तो कैसे फट गई, तो अचानक, तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या हुआ, अचानक हो गया। एक आइडिया है, ट्रिक क्या, बहुत बड़ा कोई महानतम वैज्ञानिक नहीं हूं मैं, उदाहरण बता रहा हूं कि समझा देना, ठीक है ना। दूसरा है कालवाचक, डकर रहा है अरे कालवाचक, हेलमेट लगा के पढ़ेगा, गौरव का बुद्धि रहना तो कई बार फिर से गुलामी मिलेगी हम लोग। कालवाचक, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल, यह पुस्तक राधा को तत्काल दे आओ, यह पुस्तक राधा को तत्काल दे आओ, हाँ जी। तो इसमें आपको बताया जाए कि कालवाचक, अब कालवाचक की पहचान कब से होती है, क्या चीज से होती है, देखिए आप समझिएगा। एक तो होता है स्थान, प्लेस जिसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर में मेरे देखने से 60-70% तो सेम मिलता है, 30% थोड़ा अलग है, लेकिन 70% 75 भी कह सकते हो सेम मिलता है, वही सेम है आइडिया, वेयर व्हाट सब चीज है। एक तो स्थान, एक होगा काल, टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस मतलब होता है काल, टाइम से रिलेटेड होता है, तो काल मतलब एक तरह का होगा समय, कहते हैं ना आपका काल आएगा तो फिर जाना ही है ऊपर, ठीक है ना, आप खाते रह जाओ खोआ मलाई, है ना, इसीलिए कहता हूं कि पैसा कुछ हो तो दे दिया करो, है ना, सारा पानी मिला मिला कर दूध में, ठीक है। इधर तो बात करते हैं कि जो ये काल है, काल का संबंधित किससे, समय, और पूछते हो कि तुम कैसे आओगे, कि कब आओगे, तुम पूछते हो जिससे भी मिलते हो, क्या पूछते हो, फिर कब मिलेंगे, फिर से ना ट्रेन वहां जाती हुई ऐसे मुंह बना के। तो यहां पर क्या होता है कि इसकी जवाब क्या होती है, तो कालवाचक वाला के ब्रैकेट में लिख दो मेरे भाई कब, तो पुस्तक को कब दिया हो, तत्काल, ठीक है ना, तुम कब आओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, बताओ कहां चलना है, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। हम लोग दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो उस जगह ये ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ होटल में चले जाता, खाना खाने के बाद प्याज काटेगा लास्ट में, सर जी अब देंगे पैसा, अब देंगे पैसा, पता ना एक पीस वाला इतने बचा के क्यों रखते हैं। अब इसके बाद आएंगे भाई, ये हो गया क्लियर, स्थानवाचक लिखो नेक्स्ट भाई, स्थानवाचक, अब पहले ही से बता दो इसका क्या होगी पहचान, कहां, वाह जी वाह, यही पर राजीव क्लासेज, स्थानवाचक, स्थानवाचक उदाहरण है, संजय बाहर घूम रहा है, कहां घूम रहा है, बाहर, गौरव मुझे मिला था कहां, समझ जाओ, ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो कहां का मतलब बाहर, तो यहां पर क्या होगा, बाहर होगा ना, या तो हो जा रहा होगा, अरे रीतिवाचक मतलब कैसे, कालवाचक मतलब, स्थानवाचक मतलब, अब क्या बचा है, ओरे पक्का ये लड़का नाम करेगा एक ना एक दिन, अच्छा यही है रामलाल, क्या नाम था उसमें, रामलाल की अम्मा क्या था, रामलाल की अम्मा तू ही था, तो तुझे अच्छा अम्मा कहलाने में अच्छा लगता है, भगवान ने मर्द बना रखे हैं तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है, इसको कुछ और नाम रख लो, नटवर लाल रख लो, डॉन रख ले, कुछ चिप्याना रख ले, रामलाल की अम्मा बताओ ना, तेरे को अच्छा लग रहा है, रामलाल की अम्मा हटा दे, चल हटा देगा आज, ठीक है, कितना अच्छा अनुज नाम है बताओ। आइए परिवार वाचक, नेक्स्ट पड़ी, इसमें बताओ क्या होगा, कितना, कितना खाओगे, गौरव से पूछा कितना खाओगे तो कहेगा बहुत, और मेरे से कितना खाओगे, थोड़ा, तो इसके एग्जांपल लिखना, एग्जांपल लिखो, थोड़ा खाना खाओ,
थोड़ा खाना कौन क्यों हाँ जी।